तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अथर्वस गार्डनिंग में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सब्जी हम मार्केट से लाते हैं वो इतनी फ्रेश क्यों रहती है, उसके पीछे का रीज़न और एक डेंजरस सच जो कि व्यापारी यूज़ करते हैं अपनी सब्जी को फ्रेश रखने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट की जो सब्जियां होती है जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये दोस्तों दिखने में बहुत ही शाइनी और फ्रेश रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा जब भी हम सब्जी को कट करते हैं तो पानी ना मिलने की वजह से वो सूखने लगती है। तो दोस्तों, अभी आप बोलोगे कि उसको फ्रिज में रखा होगा या फिर एसी में रखा होगा, इसी वजह से फ्रेश रहेगी। पर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कैसे थोड़े से जो व्यापारी होते हैं वो सब्जियों को अपने बेचने के लिए कैसे फ्रेश बनाते हैं, कैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हमारे हेल्थ को डेंजरसली धोखा पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस तरह के फर्टिलाइज़र की वजह से हमें स्टमक कैंसर हो सकता है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये जो भाई साहब है ये इस सब्जी को इस फर्टिलाइज़र में भिगो रहे हैं, और पहले इन्होंने जो पहली सब्जी थी उसको पानी में भिगोया था। तो इसके बाद आप रिज़ल्ट देख के चौंक जाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों। दोस्तों, ये देख सकते हो ये जो साइड में रखी है उसको पानी में भिगोया है, और ये दूसरी दो जो सब्जी है उसको उन्होंने फर्टिलाइज़र में भिगो दिया है। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे केमिकल्स का रिज़ल्ट चालू हो गया है। बिल्कुल 2 सेकेंड में दोस्तों ये रिज़ल्ट देना चालू होता है, जिसकी वजह से हमें स्टमक कैंसर हो सकता है। तो आप जब भी मार्केट में जाओ तो ये जो सब्जियाँ होती है ये फार्मर से लेना, कोई व्यापारी हो तो उससे मत लेना। कोशिश करना कि कोई फार्मर मिल जाए। दोस्तों, ये जो व्यापारी होते हैं ये पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो जो हमारे फार्मर होते हैं वो दिन रात मेहनत करके सब्जियों को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फ्रेश बन गई है ये सब्जी। दोनों भी आप देख सकते हो कितनी फ्रेश बन गई है। तो ये धोखा दोस्तों हमारे साथ हर रोज़ होता है। अभी ये जो पानी वाली सब्जी है इसको भी ये भिगो देंगे केमिकल में। दोस्तों, अभी रिज़ल्ट देखना, लाइव देखना दोस्तों। दोस्तों, आप देख सकते हो कैसे ये सब्जी फूलनी चालू हो गई है। ये होता है दोस्तों केमिकल का डेंजरस इफेक्ट। तो आप देख सकते हो कैसे ये फूल रही है, और ये जो पुरानी थी जिसको दोस्तों उन्होंने भिगो दिया था पहले ही, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो दूसरी वाली है कैसे फूल रही है। मैं एक छोटे से गांव का लड़का हूँ, तो हमारे यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं मार्केट में जिसकी वजह से हमारे स्टमक कैंसर हो सकता है, और भी कुछ चीज़ें डिसीज़ है जो हमें हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए नए गार्डनिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।